Hello and welcome to this online botany class. We are discussing about different parts of eukaryotic cells, their main characteristics and chief functions. Aau ei jo bibhinna part abishara me alochana karuchanti eukaryotic cells ro sei thire ame alochana karithile tinta column re je part of cell thila ude side re main character thila tapare functions thila aau को जो जो स्ट्रक्चर गुड़ा में आलोचना करते सीटा प्लांट्स रे भी अच्छा आउ तुम एनिमल्स रे भी अच्छा राइट उभय प्लांट सेल्स आउ एनिमल सेल्स मैंने ये स्ट्रक्चर गुड़ाक आम पाई जमी कौन कौन आलोचना होता ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तार काम कौन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स लाइसोसोम्स माइक्रोबॉडीज माइक्रोट्यूबल्स माइक्रोफिलामेंट्स यही सब जिनस आलोचना कर तो देखिदे आउ दुटा बाकी रही जाता आम समय अभाव जो आउ दुटा जिन बाकी रही से सार दे कि नेक्स्ट ये को आम आग को जी सो सो लेट्स स्टार्ट सी जोटा कंटिन्यू करवा से जिनटा पुराना जिनसा थी ओके पुराना क्लास को तुम से डिफरेंट पार्टस अफ यूक्रेटिक सेल्स एटा हूँ तीन नंबर क्लास राइट सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट देखा सिलिया एंड फ्लाजेला दैट इज द पार्ट अफ द सेल और तार मेन कैरेक्टर्स कौन तार फंक्शन कौन राइट सो सिलिया एंड फ्लाजेला ओके लिखिया सेलुलर एक्सटेंशंस सपोर्टेड बाय 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स सेलुलर एक्सटेंशंस माने सेल रो एक्सटेंड है कि एक्सटेंशन पोर्शन टा सेल रु बाहरी की एक्सटेंड है सेलटा टिके आगो को सेटा होचो कौन सेलुलर एक्सटेंशन ओके एक्सटेंशन माने कौन वर्धित तो एक्सटेंशन of the cells cellular extensions supported by kaha dwara supported na supported by 9+2 arrangement of microtubules 9+2 arrangements of microtubules to emanankara arrangement kemti thibo na 9+2 arrangement kahara na microtubules manankara 9+2 arrangement rakhe to dekho ba pate dekhi pare tumhe this is the cilia eta hoche tumara cell good cell ta okay cell ta cell ro tumara dekho je bahar je mane hair bhalia that is the cilia ओके आईटा जी बहुत लंबा गोटे बाहर थे हो फ्लाजेलम आ बहुत सारा बाहर कौन सिलिया आम देखी सिलिया गोटे फ्लाजेलम गोटा राइट सो देख ये यहाँ हूँ तुम जो सिलिया तुम बड़ कर देखा तक जो ट्रांसफर सेक्शन देवा टीएस टीएस मैंने कौन ट्रांसफर सेक्शन काटा आम तो एमती देखा जाए दैट इज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स माइक्रोट्यूबल्स देख आम आलोचना करते गोटे ओके गोटे होलो सिलिंडर टाइप रहा जोटा कि तुम कौन या ना प्रोटीन सब यूनिट ट्यूबुलिन या आम आलोचना करें माइक्रो ट्यूबुल्स मान अरेंजमेंट के 9+2 अरेंजमेंट तो देख ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइट देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके मझे दुटा चारिड़े कौन दी दुटा हो भूल अच्छे टी तो एमती एमती कितना चारिड़े आठटा अच्छा मझे के गोटे रोक ओके मैंने 9 9 जगह थी कि नौटे के दी दुटा थी बुझेगा 9 पॉइंट्स अच्छा 9 जगह सजे ही अच्छा कितना है कि माइक्रोट्यूबल्स दी दुटा माइक्रोट्यूबल्स 9+2 अरेंजमेंट भी कहु कि अरेंजमेंट कहु 9+2 अरेंजमेंट भी कहु सो या विषय में तो आम विशेष भाव आलोचना करवा से जानी था जे सिलिया एंड फ्लाजेला कौन दीज आर सेलुलर एक्सटेंशंस सपोर्टेड बाय 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स कौन तैयारी ना माइक्रोट्यूबल्स तैयारी आ माइक्रोट्यूबल्स गुड़ा केमती सजा होती 9+2 अरेंजमेंट से सजे होती ओके और सेल रु बाहर की अच्छा ओके नेक्स्ट देखिए तार फंक्शन कौन मोटिलिटी और मूविंग फ्लुइड्स ओवर सरफेस मोटिलिटी बातर कौन मानने गति से साय कैल नेक्स्ट तुम पार्ट ऑफ द सेल यूकेरियोटिक सेल रो पार्ट जोटा तुम्हारा चला सेल इनक्लूजन्स सेल इनक्लूजन सेल रे आउ किसी अलग जिनस इनक्लूड होती सेल इनक्लूजन देखा आम आलोचना करें तुम जो प्रोक्रेटिक सेल मध्य पढ़ी कौन सेल इनक्लूजन बॉडी थी ओके से आलोचना होता कौन कहते इनक्लूजन बॉडीज बोली कहते तो ये तुम कौन हो सही भाई भी अच्छी किसी तो सेल इनक्लूजन ये कौन अर्गानिक देखिए फर्स्ट पॉइंट ना इनक्लूड्स बोथ अर्गानिक एंड इनअर्गानिक क्रिस्टल्स तो सेल भितर इन गोटे कौन इनक्लूजन केमी ना ये अर्गानिक कि इनअर्गानिक केमिस्ट्री भी तुम पढ़ा होगी अर्गानिक कौन आउ इनअर्गानिक कौन ओके
तो ऑर्गेनिक ही परंतु आउ इनऑर्गेनिक ही परंतु ऑर्गेनिक माने सब कार्बन हाइड्रोजन एगुटा सब थी इनऑर्गेनिक माने कनेक्शंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ओके सो इनक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स गुड़ाक नहीं या ओके देख पार ये प्लांट सेल्स अच्छी यहाँ सब गोटे दाना स्टार्च ग्रेन मंड तो जोटा या राइट स्टार्च ग्रेन सो तार काम कौन मेन फंक्शन कौन ना स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स तेल को स्टोर कर रखे ओके फैट्स जो तुम ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल जब एनिमल अच्छी एनिमल सेल अच्छी से कौन स्टोर करेंगे ना ग्लाइकोजन को स्टोर कर रखे जब प्लांट्स अच्छे कौन स्टोर करेंगे स्टार्च को स्टोर कर रखे देख स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल स्टार्च एल्यूरोन ग्रेन्स ऑफ और क्रिस्टल्स एल्युरन ग्रेन्स कौटे था तुम जो जो आम गहम है कि तुम चाउल है जो धान है तो सही तुम एल्युरन लेयर था तुम कौन करना खाद्य को संचय कर रखि था तेलटा भी गोटे खाद्य भविष्य में काम आस स्टार्च खाद्य भविष्य में काम आस ग्लाइकोजन भी खाद्य भविष्य में काम आस राइट से सब जिन रखि था जब एनिमल सेल तुम ग्लाइकोजन देखा जाए आम प्लांट सेल कौन देखा जाए ना स्टार्च देखा जाए यहाँ डिफरेन्स मन रख सो दिस इज सेल इनक्लूजन तो ये सब जिन तुम कौन तुम यूकेरियोटिक सेल्स था सब मैंने मैं ये सब दिज आर द डिफरेंट पार्ट्स व्हिच आर फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल्स व्हिच आर बोथ दीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल्स दि स्ट्रक्चर्स आर कमन टू प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स से जहाँ से कौन से सेल इनक्लूजन हो सिलियन फ्लाजिला हो कि तुम माइक्रोफिलामेंट्स हो माइक्रोट्यूबल्स हो माइक्रोबॉडीज हो लाइसोजोम हो राइबोसोम्स हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दीज आर द कमन स्ट्रक्चर फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड द एनिमल सेल्स सो ये देखा आम जे तमरो स्ट्रक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल्स माने एनिमल सेल रे कौन स्पेशलिटी जोटा कि प्लांट सेल रे नाही सेटा विषय हम आलोचना करबा देखिबा हम स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल्स तो तुम्हारा एनिमल सेल रे कौन स्पेशलाइजेशन अछि सो देख देख तुम्हारा सेंट्रोजोम कौन अच्छे सेंट्रोजोम जोटा कि तुम एनिमल सेल हिं था अलग प्लांट सेल बिल्कुल भी न था कि प्लांट सेल था बहुत छोट छोट मैंने बहुत मैंने कौन लोअर प्लांट्स जोड़ा अच्छे से मैं था बट एनिमल सेल हिं तेरा देखा जाती सो तुम डिफरेन्स हो मेन डिफरेन्स एनिमल सेल हिं था सो सेंट्रोजोम सीन इन एनिमल सेल्स एंड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स तो एनिमल सेल्स से देखा जाती और किसी प्लांट्स से देखा जाती राइट नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रोजोम कंसिस्ट्स ऑफ टू सेंट्रियोल्स लाइंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर तो सेंट्रोजोम तुम दुटा जिनस था कौन था दुटा जिनस ना दुटा सेंट्रियोल था दुटा सेंट्रियोल था देखिपार डायग्राम एपटे तो यहाँ गोटे सेंट्रियोल ये गोटे सेंट्रियोल लाइंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देख दुज कौन परस्पर 90 डिग्री मानने कोण अंकन कर राइट देख यहाँ गोटे है ताक सीधा मैंने एमती अच्छे पारालाल तापर एटा अच्छे कौन सीधा तो दिस इज कदे द बोथ द सेंट्रल्स मिक्स एट राइट 90 डिग्री और राइट एंगल टू इच अदर ओके सो सेंट्रोजोम हैज टू सेंट्रोजोम हैज टू सेंट्रियोल्स व्हिच आर राइट एंगल टू इच अदर नेक्स्ट पॉइंट इच सेंट्रियोल प्रत्येक जो सेंट्रियोल अच्छी सेंट्रियोलटा कौन ना कौन थे ना सेंट्रियोल कंटेन्स 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स तो माइक्रोट्यूबल्स गुड़ाक तीन तीन टा माइक्रोट्यूबल्स एक दुई तीन तीन टा माइक्रोट्यूबल्स एकाठी रही मैंने के नर्थ रहा वन टू थ्री गोटे बंडल तीन टा माइक्रोट्यूबल्स वन माइक्रोट्यूबल्स दुईटा माइक्रोट्यूबल्स तीन टा गोटे जगह हो बांधि दिगला मन कर मो भाई तीन टा बाड़ी अच्छी तीन टा बाड़ी अच्छी और तीन टा बाड़ी कौन कर एकाठी बांधिदेली रखीदेली तापर ताको कौन कली सर्कल रे सजेदेली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट बुझीगला राउंड करके गोटे सर्कल नौटा करदे आ प्रत्येक बंडल केतटा अच्छी माइक्रोट्यूबल्स ना तीन टा माइक्रोट्यूबल्स अच्छे ठीक से तुम नाइन प्लस जीरो आरेंजमेंट पढ़ा तुम कहटी अच्छी नाइन प्लस जीरो आरेंजमेंट मन रखी था सेंट्रोजोमटा हूँ नाइन प्लस जीरो आरेंजमेंट आम सिलिया एंड फ्लाजिलटा हूँ नाइन प्लस टू आरेंजमेंट से मझे थाए ये मझे न थाए क्लीयर कि तो ये कौन लिखिले आम सीन इन एनिमल सेल्स एंड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स लाइंग एट राइट एंगल टू इच अदर इच सेंट्रियोल कंटेन्स 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूबल्स ता देखिबा आम मेन फंक्शनटा कौन ना मेन फंक्शन आसो तुम इट इज द मेजर माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सेल इट इज द मेजर माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सेल मैं सेल्र ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जोटा हो कौन सेल्र केमी रख गठन केमी कर मैंने ऑर्गेनाइज केमी कर माइक्रोट्यूबल्सटा यहाँ कहार ना सेल्र ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सेल इट इज द मेजर माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सेल राइट नेक्स्ट देखा माइक्रो
विली माइक्रोविली राइट सो देख ये तुम डायग्राम देखी पार्छ एटा दिस इज द एनिमल सेल आ एनिमल सेल देखो ऊपर को एमती टू बाहरी पड़छि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ओके देखो माइक्रोविली ओके देखिबा देखिया देखो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ सम एनिमल सेल्स कंटेनिंग बंडल्स ऑफ क्रॉस लिंक्ड एक्टिन फिलामेंट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ सम एनिमल सेल्स कंटेनिंग बंडल्स ऑफ क्रॉस लिंक्ड एक्टिन फिलामेंट्स तो ये कौन फिंगर भलिया एक्सटेंशन कहना सेल मेम्ब्रेन टा आग को बढ़ी जाइए सेल मेम्ब्रेन फिंगर भाया पसिक मोड़ी मोड़ी माड़ी माड़ी कौन या तुम हाथ देख जमी कौन है मैंने बढ़ी जाइए ना कि नहीं फिंगर भाया तो से भाया सेल मेम्ब्रेन जोटा थाए तुम कोश झिली था जो एनिमल सेल तो प्लांट सेल तो प्लांट सेल नुहे सेल वाल थी तो ये सेल वाल ना सो कौन हम तुम सेल मेम्ब्रेन टा आग को बढ़ी जाइए आटा कौन से कौन या मैंने कौन धारण कौन धारण करती ना कंटेनिंग बंडल्स ऑफ क्रॉस लिंक्ड एक्टिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स को लेकिन यहाँ तैयारी क्लियर एक्टिन फिलामेंट्स गोटे प्रोटीन ओके देखिए यार काम कौन ना इनक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया अल्सो प्लेज रोल्स इन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस माने एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस यार जो मैंने एमती फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अच्छी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हेले कौन हुए ना तार सरफेस एरिया बढ़ी जाए तार जो पृष्ठतल जो अच्छी तार क्षेत्रफलटा तार क्षेत्रफलटा बढ़ी जा बुझेगा अंडाटा तुम गोल अंडाटा अच्छी सर्कलटा अच्छी से सर्कल तार जी तुम कौन सर्कम फेरेन्स तार जो एरियाटा हम से सर्कम फेरेन्सटा कौन हम जी हम मनकर सबुर भितर भितर पशि जाए राउंड राउंड होती भितर भितर पशि जाए सर्कलटा तो कौन हम तार सर्कम फेरेन्स बेस अधिक हम तो बेस एरिया हम तो बेस एरिया हेल्ले कौन हम ना सेलटा कौन हम एब्जॉर्प्शन करने तो इजी हम सबुआ एब्जॉर्ब कर इजिली तक बेसी बेसी मैंने तरह सर्फेस पृष्ठतल क्षेत्रफल अधिक बढ़ी आउ कौन ना अल्सो प्लेज रोल्स इन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस माने एक्सोसाइटोसिस माने कौन सेल भितर बाहर को जीवा एंडोसाइटोसिस माने कौन सेल बाहर भितर को आसवा एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस सो इटा हूँ मेन फंक्शन इनक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया अल्सो प्लेज रोल्स इन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस देखा स्ट्रक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स प्लांट सेल्स रे कौन कौन स्ट्रक्चर थाए कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक थाए धर्म कौन तार गठन कौन तार कार्य कौन जोटा कि अन्य सेल्स गुड़ाक नए एनिमल सेल्स तुम नए तो प्रथम देखा आम सेल वाल कोश भित्ति राइट फर्स्ट पॉइंट तार मेन फंक्शन मेन तार जो फीचर्स कौन ए रिजिड कवरिंग मेड ऑफ ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स सराउंडिंग द प्लांट सेल्स ठीक अच्छे से कहला यहाँ गोटे कवरिंग कौन की कवरिंग रिजिड कवरिंग बहुत दृढ़ कवरिंग गोटे आवरण गोटे मेड अफ अफ कौन तैयारी ना सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स तैयारी सेलुलोज तंतु माइक्रोफाइब्रिल्स तंतु माइक्रो मैंने आहरी छोट तंतु रईट फाइबर मैंने कौन तंतु तो छोट तंतु कौन कह आ क्षुद्रतम तंतु कौन कह तुम माइक्रोफाइब्रिल्स तो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स सेलुलोज तंतु तैयारी एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स अफ कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स कौन एम्बेडेड होती ना गोटे मैट्रिक्स एम्बेडेड होती बसिक अच्छा कौन ना तैयारी ना कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स तुम स्वतिसार पॉलीसैकेराइड्स मैंने क्या कहते स्वतिसार को ही कह ओके सराउंडिंग द प्लांट सेल्स कौन करती ना प्लांट सेल्स को से सराउंडिंग करके रखता कौन मैंने सराउंडिंग कर प्लांट सेल वाल्टा प्लांट सेल को सराउंडिंग करके रखी थाए निश्चित यहाँ हूँ सेल वाल राइट ये पर देख पार तुम कौन अच्छे ये गोटे सेल वाल दुटा सेल रहा हूँ सेल वाल देख पार यहाँ गोटे सेल वाल यहाँ आउ गए सेल वाल मझे जो अच्छे कौन प्लाज्मा येपट अच्छे तुम मझे मिडिल लामेला दुटा प्लांट सेल र जो जॉइंटा हूँ तुम कौन मिडिल लामेला एपट को सेल वाल बाहर को कौन अच्छी तुम प्लाज्मो जो सॉरी मिडिल लामेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मझे मझे गैप अच्छी दुटा सेल भर कनेक्शन अच्छे तुम ये गोटे सेल एपटे गोटे आउ गए सेल अच्छी ये आउ गए सेल अच्छी भर कनेक्शन अच्छे कौन कह प्लाज्मो डेस्माटा कह आलोचना करवा ओके तार देखा तुम तार देखा तार फंक्शनसटा कौन सेल वाल ना प्रोवाइड्स मेकानिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ए पाथवे टू फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स प्रोवाइड्स मेकानिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ए पाथवे फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स राइट मैंने गोटे मेकानिकल सपोर्ट दे था प्रोटेक्शन दे था मैंने सुरक्षा जगह था कौन कर गोटे पाथवे गोटे रास्ता जो थी तुम मूवमेंट हुए कहार ना वाटर और मिनरल्स मानकर मूवमेंट ये
था। नेक्स्ट पॉइंट बिल्डअप टर्गर प्रेसर, बिल्डअप कौन करे ना टर्गर प्रेसर करे, माने सब बड़े कौन माने तुम्हारे सेलटा को कौन करके रखि था भितर को बहुत सारा वाटर नहीं कि से कौन करे माने प्रेसर दिए। टर्गर प्रेसरटा कौन ना सेल वाल उपर जो प्रेसरटा पड़े सेटा कौन कहा जाए टर्गर प्रेसर बोली कहा जाए। राइट, आम आलोचना भी करवा तुम यहाँ फिजियोलॉजी अच्छी व्हाट इज टर्गर प्रेसर भल भाव आलोचना करें जैसे आलोचना करेंगे क्लास सर जो सो बिल्डअप टर्गर प्रेसर मन रखा ये मैंने इतनी मन रखा जितने मैंने कौन कहती अंगूर जो किसमिश किसमिश को लेकिन तुम पा रखी थोड़ा कौन हम फुल आरंभ करे ना किसमिश को जो तुम पा रख से फुल आरंभ कर सीटा कौन हुए ना टर्गर प्रेसर पर हुए भाव नब ओके गोटे एक्जामपल देन तुम आसा मिडिल नाम है सीमेंट्स एडजेसेंट सेल्स दुटा सेल को जो जोड़ा जो जिनसा होता कौन ना प्लाज जो कौन कहते मिडिल लेवल कहते दुटा सेल को जोड़ी मैंने सीमेंट करके रखुच जमी इटा दुटा को किए किए जोड़े सीमेंट जोड़े तो से भाया मिडिल नाम है दुटा सेल को जोड़ी रखी थाए। नेक्स्ट है तुम प्लाज्मो डेस्माटा, प्लाज्मो डेस्माटा देख गैप्स इन द सेल वॉल थ्रू व्हिच साइटोप्लाज्म ऑफ टू नेबरिंग सेल्स आर लिंक्ड। यहाँ हूँ से गैप कौटी गैप अच्छी ना सेल वॉल थिबा गैप जहाँ द्वारा तुम थ्रू व्हिच सी टू साइटोप्लाज्म ऑफ टू नेबरिंग सेल्स आर लिंक्ड माने दुईटा सेल रो साइटोप्लाज्म मध्यरे कौन अच्छी लिंक अच्छी भितर संपर्क रही ओके। दिस आर द गैप्स गैप्स इन द सेल वॉल थ्रू व्हिच साइटोप्लाज्म ऑफ टू नेबरिंग सेल्स आर लिंक्ड ओके। नेक्स्ट पॉइंट द पोर इज लाइंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हैज ए ट्यूबुलर कोर एसोसिएटेड एट ईच एंड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई जो पोरटा जो कणाटा तुम अच्छे प्लाज्मा डेस्माटा जो तो यही पोरटा इज लाइंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा सारा अच्छी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुटा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छा एंड हैज ए ट्यूबुलर कोर एसोसिएटेड एट ईच एंड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउ दुटा एंड्रे कौन था तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित तुम अटाच होसोसीएटेड होती। अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गोटे मेम्ब्रेन राइट से विषय में आलोचना करवा आगे ओके। सेटा होची गैप्स कहाँ द गैप्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल थ्रू व्हिच साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स बा नेबरिंग सेल्स आर लिंक्ड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा डेस्माटा। देखिए तार काम कौन फंक्शंस कौन ना एनश्योर्स साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी, एनश्योर्स साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन देम। आ दुटा एडजेसेंट सेल्स सन्निहित सेल्स पाखापाखि सेल्स प्लांट सेल्स भितर ये कौन करे ना साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी टाकु मेंटेन करके रखि थाए माने साइटोप्लाज्म रु साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी मैंने कौन तासी तार लिंकटा रही है जमी गोटे घरे गोटे कौन तुम थाए जमी कबाट थाए गोटे रूम्रु आ गोटे रूम को जीवन जमी कंटिन्यूटी रहा है ना ना गोटे रूम्रु आ गोटे रूम को जीवन तार बाट थाए से भाया तुम ये कौन प्लाज्मा डेस्माटा काम कै दुटा सेल मध्य कौन कंटिन्यूटी रक्षा कै दुटा जमी आम घर भितर दुटा रूम्रे जमी कनेक्शन थाए थ्रु डोर जीला आते कौन करना ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस भितर हुए गोटे सेल रू आ गोटे सेल को कौन हुए माने सब्सटेंस मानक पदार्थ मानक कौन हम गमनागमन हो थाए ओके। यहाँ हूँ तुम प्लाज्मा डेस्माटा ये तुम डायग्राम देख यहाँ हूँ गोटे तुम कौन ना कौन देखी पार्छ ये तुम यहाँ गोटे सेल यहाँ आ गोटे सेल ओके सेटा हूँ सेल वॉल तुम यहाँ हूँ तुम कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा आ मझे देखी पार्छ गोटे गैप अच्छे ये गैपटा ही तुम कौन प्लाज्मा डेस्माटा ओके। नेक्स्ट आसा तुम जो थाए तुम प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट ओके क्लोरोप्लास्ट देख डायग्रामा देखी पार देखी पार्छ तुम ये देख ये राउंड दुटा मेम्ब्रेन अच्छी गोटे भितर आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन गोटे हूँ इनर मेम्ब्रेन ओके। भितर जो जेल लाइक सब्सटेंस अच्छी जो भितर जो ऑयलटा से कौन कौन कहा जाए ना स्ट्रोमा बोली कहा जाए कौन कहा जाए स्ट्रोमा बोली कहा जाए आठ देख पार्छ कॉइन भाई थाक 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 होगा आम कौन कह थाइलाकॉइड्स कहते आई टोटालटा को कौन कह गोटे कॉइन थाकटा कौन कहा जाए ग्रानम बोली कहा जाए ओके ग्रानम कहा जाए तार निजर कौन थाए डीएनए थाए तार निजर राइबोसोम्स थाए यहाँ हूँ स्टार स्क्रीन ओके। सो ये सब जिन तुम थाए क्लोरोप्लास्ट ओके माइटोकॉन्ड्रिया भाई गोटे से भी तार निजर राइबोसोम डीएनए रही ओके। देखा फर्स्ट पॉइंट ना लार्ज प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट कौन दिज आर लार्ज प्लास्टिक बहुत बड़ प्लास्टिक लवक जी कौन धारण कर क्लोरोफिल पिगमेंट बा सबुज कण तुम धारण करके। नेक्स्ट पॉइंट सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स दुटा मेम्ब्रेन अच्छी कहार के मेम्ब्रेन अच्छी दुटा मेम्ब्रेन अच्छी एनक्लोजिंग जेल लाइक स्ट्रोमा भितर क्या से एनक्लोज करके रखी ना गोटे स्ट्रोमा बा जेल लाइक मैट्रिक्स को से कौन कर दुटा एनवलप द्वारा आवृत करके रखी। नेक्स्ट पॉइंट ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स रन थ्रू स्ट्रोमा एंड आर स्टक्ड इन प्लेस
ସିସ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଗ୍ରାନା ଓକେ ମାନେ କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଥାକ 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 ହେଇକି ଷ୍ଟକ୍ଡ ମାନେ ଥାକ ଥାକ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଥାକ ତ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଅଲ୍ସୋ ହାଜ୍ ରାଇବୋଜୋମ୍ସ ଏ ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ମଲିକୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିପିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଲେଟ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ନିଜର ରାଇବୋଜୋମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସେମି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଗାନ୍ ଫର୍ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏଇଟା ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ ସେଇ ଅଙ୍ଗିକା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜୈବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ କେମିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଗ୍ରାନା ହ୍ୱିଚ୍ ହାଉସ୍ ସେସ୍ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ହାଉସ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଟୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓକେ ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା ତା'ର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୋ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ ଧ୍ୟାନସେ ପଢ଼ିଛ ବି ତୁମେଟା ଟେନ୍ଥରେ ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ କ'ଣ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଏ କେଉଁଠି ନା ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ କେମିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ତା'ର କେମିକାଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଗ୍ରାନାରେ କରାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଥାକ ଥାକ ହେଇନି କଏନ୍ ଭଳିଆ ସେଇଠି ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହୁଏ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଉସେସ୍ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କି ନେକ୍ସଟ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ ଏ ଟି ପି ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ଏ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ସେଇ ଉତ୍ପାଦଟା ଆର୍ ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ତା'ପରେ ସେଇଟା ତୁମର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି କେଉଁଠି ହୁଏ ସେଇଟା ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ତୁମର ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଟୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମର ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବା ୟୁଜିଂ ଦ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେ କ'ଣ କରେ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଦ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6 ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବେସିକାଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଥାକ ଭଳିଆ ଗ୍ରାନାରେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମର ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଏଟିପି ଓ ଏନ୍ଏଡିପିଏସ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ଜେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ତା'ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେଠି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ତୁମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ ବା C6H12O6 ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତୁମର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓକେ ତା'ପରେ ତୁମର ଆସିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ବା ରସଧାନୀ ଓକେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଭେକ୍ୟୁଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ମଝାମଝି ଥାଏ ମଝିରେ ଥାଏ ପୁରା ଓକେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ପୁଷେଇକି ଥାଏ ଠେଲେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ ଓକେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଉ ତା'ର ଭିତରେ ଦେଖ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ଟା ଓକେ ଦେଖିବା ଲେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ନା ଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ୟାକ୍ ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ଡ ବାଇ ଟୋନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ଟା କ'ଣ ସେ ସେକ୍ୟୁଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରସ ଅଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ରସକୁ ଧାରଣ କରିଦେବ କ'ଣ ରସଧାନୀ ତ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରି ଧାରଣ କରିଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଥଳି ସ୍ୟାକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଥଳି କେଉଁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ନା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ୟାକ୍ ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ଡ ବାଇ ଗୋଟେ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟୋନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟୋନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ରସକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ରସଧାନୀ ବା ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସେଲ୍ ସ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ସୁଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟା କ'ଣ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସେଲ୍ ସାପ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ସାପ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ଯେ ଯାହା ଅଛି ସେଲ୍ ସାପ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତା'ପରେ ଲିକ୍ୟୁଡ଼୍ଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସେଲ୍ ସାପ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବା ସେଲ୍ ସାପ୍ଟା ସେଟା କ'ଣ ନା ଇଜ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ତା'ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯାହାର କମ୍ ଥିବ ଦେଖ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ସରି ସାନ୍ଦ୍ରତା ନୁହେଁ କ'ଣ କହନ୍ତି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 5 ଚାମଚ ପକାଇ ଚିନି ପକାଇବା ସେମ୍ ପାଣିରେ ତ ଯାହା ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଚିନି ଅଛି ତ କ'ଣ କହିବା କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିବା ଓକେ ପାଣି ମିଶିଦେଲେ କ'ଣ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ପାଣି କମ୍ ମିଶିଥିବାରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ସେଟା କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିବା ରାଇଟ୍ ସେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କାହାର କାହାର ନା ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ସେ ଭିତରେ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ ସୁଗର୍ସ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ଓକେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ତ ସେ ସେଲ୍ ସାପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସମ୍ ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ମିନେରାଲ୍ସ କିଛି ସୁଗର୍ସ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ସ କ'ଣ ଷ୍ଟୋର୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ତ
इटी कौन था ना ये कौन धार स्टोर कर रखे ना स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स माने जेते से वेस्ट प्रोडक्ट्स गुडा सेल रो किसी जोटा जोटा सेल पे दरकार नहीं आवश्यक नहीं से कौन करियो तो वेस्ट बोली भाई से तो से वेस्ट प्रोडक्ट को कौन करियो ठीक से स्टोर कर रखी था एंड अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस एवं बेले बेले जोटा सेल को आवश्यक करथे ताहा मध्ये से रखी थाए। नेक्स्ट पॉइंट कौन थिला ना समटाइम्स एक्ट्स एज प्लांट लाइसोजोम लाइसोजोम जेमती कौन करे ना जो जो सेल ऑर्गेनिज्म लगा धीरे धीरे मरी जाती सड़ी जाती ताको कौन करे ताको खंड विखंडित करके मारी पकाए से सेल भितर ताको कौन कहा आत्मघाती थोड़ी तो सही भाया सेंट्रल वैक्यूल बा तुम वैक्यूल प्लांट वैक्यूलटा मत से भाया काम करे जो गोटे मैंने एनिमल लाइसोजोम भाया ये यहाँ को प्लांट्स लाइसोजोम भी कहा जाए क्या सेंट्रल वैक्यूल सो इट एक्ट्स एज ए प्लांट लाइसोजोम तो ये सब जिन तो दिज आर द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल्स ओके हम आलोचना कले कौन कौन थी ना तुम सेल वॉल प्लाज्मा डेस्माटा क्लोरोप्लास्ट सेंट्रल वेहिकल जोटा कि एनिमल सेल्स नहीं तो से भाया स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल सेल्स कौन पढ़ा आम सेंट्रोजोम आउ तुम माइक्रोफिली जोटा कि तुम प्लांट सेल ना दिजा द डिफरेन्स आम आलोचना करदे डिफरेन्स बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स तो आमर डिफरेन्स बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विषय भी आलोचना हम आउ डिफरेन्स बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स विषय आलोचना करवा आम आउ सब जिन आलोचना करवा क्लास रे ही पारे नहीं समय हो गला मानने अधिका हो जीवो सो तुम देख यहाँ ये सब जिन केमती अच्छी क्लास जो यार जो तीन टा वीडियो अच्छी तुम डिफरेन्ट पार्टस अफ यूकैरियोटिक सेल्स द मेन कैरेक्टर्स एंड देयर फंक्शंस ये सब जिन डिटेल्स भलसे तुम देख तापर भलसे देखी सारापर नेक्स्ट क्लास तुम आराम से बुझीज प्लांट सेल और एनिमल्स भितर केमती डिफरेन्स अच्छी कौन डिफरेन्स अच्छी आउ तुम डिफरेन्स बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन अच्छे से विषय में आलोचना करदे से क्वेश्चन आसे सब तुम जो व्हाट इज द डिफरेन्स बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी तुम तो से जिन तुम भलसे आलोचना करवा टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।